झीले के डुमरी स्थित शीर्ष धार्मिक स्थल बाबा टांगीनाथ धाम का रविवार को दिल्ली से आई सहायक अधीक्षण पुरालेख विद डॉक्टर अर्पिता रंजन ने दौरा किया। साथ ही धाम परिसर में अवस्थित विभिन्न मूर्तियों व अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। इस संबंध में डॉक्टर अर्पिता ने कहा कि इस ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल के रूप में बाबा टांगीनाथ धाम एक प्रसिद्ध प्राचीन सांस्कृतिक धार्मिक स्थल है जो शैव धर्म से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यहाँ के पुरातात्विक अवशेषों में उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला की झलक देखी जा सकती है और विभिन्न प्रकार के प्रस्तर खंडों पर उमा महेश्वर, शिवलिंग, विष्णु प्रतिमा, सूर्य प्रतिमा के अलावा कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां निर्मित की गई हैं। जिन बोलते हैं हिंदी में इसका अर्थ छापा लेना है अभिलेखों का। ये लिथोफिक पेपर पे लिया जाता है। ब्लैक लैंप इंक और डाबर और बिटिंग ब्रश से इसका प्रयोग होता है। इससे पेपर को बहुत मेहनत से पानी में गीला करते हैं, तब इसका एक प्रक्रिया शुरू होता है। टांगीनाथ धाम एक बहुत ही ऐतिहासिक वैशिष्ट्य और महत्व का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे खुदाई की बहुत गहन आवश्यकता है। यहाँ पे शोध के कई विषय हैं जिन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। यहाँ पर आर्ट आर्किटेक्चर की बहुत विशेषता है। ओडिशा नागर शैली के यहाँ पे टेम्पल का एविडेंस है। यहाँ पे शिवलिंग का जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है, जिससे पता चलता है कि ये पुरातात्विक स्थल प्राचीन काल में किसी मनौती के स्थल के रूप में प्रयुक्त होता होगा, इसलिए यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स के स्ट्रक्चर हैं, जो भी ब्रिक्स के एविडेंस हैं, वो सब एंशियंट हैं, एंटिक्स हैं। और यहाँ पे बिना खुदाई के और बिना गहन अध्ययन के किसी भी चीज़ पे बोलना गलत होगा। यहाँ पे बहुत आवश्यकता है इस स्थल के अध्ययन की, रिसर्च की और एक दार्शनिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण की। मैं और आग्रह करूँगी कि रांची मंडल से कि वो यहाँ शीघ्र आए और एक प्रपोजल लेकर ट्रायल ट्रेंच ले, ताकि इसके इतिहास की परतों से रहस्य उठ सके। मेरा नाम अर्पिता रंजन है। मैं सहायक रीजन पुरालेखविद के पद पर कार्यरत हूँ हेडक्वार्टर में धरोहर भवन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।